नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बर्नौली इक्वेशन इज इफ क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वन. सो हम क्वेश्चन में जज कैसे करते हैं, यू नो लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. तो जो डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म है, जो वाई के साथ वाली टर्म है, वो हमारे फंक्शन है, और जो राइट हैंड साइड पे वो हमारी टर्म जो होती है विदाउट वाई होती है. तो इसमें क्या है बेटे, आपके पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर वाई फैक्टर. तो जो हमने पहले फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग तो हम y से डिवाइड कर देते थे जो y की पावर है, पर अब इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे बेटे, जो मेरे पास y की फॉर्म में फंक्शन है वी डिवाइड बाय cos square y. सो वी आर सिंपली डिवाइडेड बाय cos square y. और आपके पास क्या रह गया, देखो यहाँ पे भी वन अपॉन cos square y आ गया बेटे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, और साइन टू थीटा हमारे पास क्या होता है, टू साइन थीटा cos थीटा. तो वाई है तो हमने इसमें क्या लिख दिया, टू साइन वाई कॉस वाई अपॉन जिसे हमने डिवाइड किया cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे वो कैंसिल हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर, एक cos आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, टू एक्स साइन वाई अपॉन cos वाई और एक्स क्यूब, दिस टर्म वन बाय cos स्क्वायर को क्या लिख दिया, secant स्क्वायर वाई. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसमें भी जो y वाला फंक्शन है उससे हमने डिवाइड करना है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, भी जो हमारी dy by dx और साथ में y वाली टर्म आती है, जैसे ये वाली y वाली टर्म आती है, तो लीनियर इक्वेशन हमारी क्या कहती है, dy by dx plus py is equal to q, हमें y वाली टर्म सेपरेट चाहिए, और यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, टेंजेंट y बन रहा है. दिस मीन्स वी सब्स्टिट्यूट टेंजेंट y इज इक्वल टू टी, क्योंकि बेटे जब टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया वो क्या बन गया, secant square y dy by dx is equal to tt by dx. और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हमेशा पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव बनेगा, चेक किया जाए ये हमारी पहले वाली टर्म बन गई है. सो अगर आपने डिवाइड सही किया है उसके बाद इस फैक्टर में किसको आपने पुट करना है, आपकी ये टर्म बताएगी जब आपकी फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज बन जाएगी. सो वाई वाले फ्रैक्शन से आपने डिवाइड करना है, देन पुट किसको करना है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली वाई फंक्शन, उसका कोफिशिएंट चाहिए, तो ये टेंजेंट वाई आ रहा था, तो वी आर सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग टेंजेंट वाई इज इक्वल टू टी. सो मेरे पास बेटे फर्स्ट टर्म कंप्लीट आ गई. नाउ कम ऑन दिस स्टेप, दिस होल टर्म बिकम डी टी बाय डी एक्स प्लस टू, और इसको मैंने टी ली है, ये एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स. नाउ बेटे यू कैन चेक फ्रॉम हियर, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, बट दिस इज लीनियर इन टी, डी टी बाय डी एक्स, टी वाली टर्म का कोफिशियंट एक्स क्यूब, और टी का कोफिशियंट क्या है, टू एक्स, और वो मेरा वाई का कोफिशियंट क्या आता था, पी. यहाँ पे टी का कोफिशियंट क्या आ गया, 2x, so वो मेरा क्या है p, और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो क्या है हमारा q, which is equal to x cube. तो मेनली क्या है, y फंक्शन से हम डिवाइड करते हैं, we required coefficient of y, तो we are substituting this tangent y is equal to t, so that हमारे पास जो बन जाती है बेटे नेक्स्ट लीनियर बन जाती है. तो इसमें कोफिशियंट भी वन है, तो मैंने p कंपेयर किया 2x आ गया, और q कंपेयर किया क्या आ गया बेटे x. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज इक्वल टू e रेस टू पावर इंटीग्रल p dx. 2x dx की इंटीग्रेशन x की बाई 2 आ गई, जिससे 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या रह गया बेटे e रेस टू पावर x स्क्वायर. नेक्स्ट टू फाइंड सॉल्यूशन, अगेन नाउ वी हैव लीनियर इन t, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, t डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integral q, what is q, x cube, integrating factor dx plus c. Integration कैसे करनी है, you know e raised to power जो function है वो हमारे पास simple होना चाहिए, तो उसी को हमने substitute करना, x square is equal to जो आप नया variable लेंगे, but इस x cube को हम rewrite कैसे कर लेंगे, x square और x की form में कर लिया. उसका क्या रीजन है, जब हमने यहाँ पे derivative लिया तो मेरे पास 2x dx equal to dz आया, और मुझे एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए बेटी, वो क्या आ गई डी जेड अपॉन टू, तो ये होल टर्म जो है ये डी जेड में कंबाइन होगी, और ये है मेरे पास क्या बन गया, ई रेस टू पावर जेड एंड जेड.
Now integrating by part, first function integration of second minus second function की integration derivative of first. तो वो आपको पता है वो क्या है हमारे पास बात. Again we are integrating e raised to power z की integration e raised to power z dr. Now left hand side जो term है वो as it is चल रही है. Now दोनों में से ये z common ले लिया तो ये आ गया z minus one बाहर two b है plus. नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज जो हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पुट की थी. पहले हमने z लिया x स्क्वायर तो z की जगह पे x स्क्वायर कर दिया और व्हाट इज t, t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था टेंजेंट y, वो हम टेंजेंट y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो सिंपली डिवाइड बाय जो भी cos of या जो भी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y है देन सब्स्टिट्यूट किस में करने हैं. अभी जो हमारी सेकंड टर्म है वो कोफिशिएंट हमें y का चाहिए ना कि टेंजेंट y. सो हमने टेंजेंट y को इनपुट कर दिया बेटे अपने आप हमारी लीनियर बन गई. देन सेम स्टेप्स हैं अभी टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड टू फाइंड सॉल्यूशन. ये हम जरूर ध्यान रखेंगे ये हमारे लीनियर है केस में उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन आएगा. एंड देन आफ्टर सॉल्विंग हम सारे वेरिएबल्स जो हम पुट कर रहे हैं उनको दोबारा वही वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके जाएंगे. One more question on this. If we have question is of the type dy by dx plus y upon x is equal to y square log x. तो अगेन जो फंक्शन है y वाला क्या है y square. This means we divide by y square. सारी टर्म्स को y square के साथ डिवाइड करेंगे. यहाँ पे ऑलरेडी y था तो एक रह गया यहाँ पे कैंसिल हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक जो हमारी y वाली टर्म है वो सेपरेट है यहाँ पे वन अपॉन वाई है. तो हम वन अपॉन वाई को ही क्या ले लेते हैं अनदर वेरिएबल यू कैन से टी. और तो मैंने वन अपॉन वाई को टी ले लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या है डेरिवेटिव लेना उसको जो पुट किया है सारे क्वेश्चन को उसी फॉर्म में चेंज करना डिफरेंशिएटिंग माइनस वन आगे पावर में माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी अपॉन डी एक्स. यस बेटे चेक किया जाए हमारी फर्स्ट टर्म बन रही है. तो इस होल टर्म क्या है ये आ गई बट विद नेगेटिव साइन प्लस वन अपॉन वाई इज टी वन बाय एक्स लॉग एक्स. नेक्स्ट स्टेप क्या है जो नेगेटिव साइन है दूसरी साइड लेंगे बिकॉज हमारी लीनियर इक्वेशन क्या कहती है डी वाई बाय डी एक्स है चाहे डी टी बाय डी एक्स है कोएफिशिएंट शुड बी वन मतलब वन नो नेगेटिव साइन नो कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं चाहिए. सो हम नेगेटिव साइन भी दूसरी साइड लेंगे. नेक्स्ट स्टेप बेटे दिस इज लीनियर इन टी सो चेक करो कोएफिशिएंट ऑफ टी कितने माइनस वन बाय एक्स और वो हमारा क्या होता है पी और राइट हैंड साइड पे माइनस लॉग एक्स वो हमारा क्या होता है बेटे क्यू. सो दिस इज लीनियर इन टी एंड पी एंड क्यू आर माइनस वन बाय एक्स एंड माइनस लॉग एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर पी डी एक्स मतलब ई रेज टू पावर माइनस लॉग एक्स. अगेन नेगेटिव टर्म है इसको ऊपर लेके जा सकते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई एन लॉग एक्स वन. सो मेरे पास सिर्फ क्या रह गया वन बाय एक्स विच इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नेक्स्ट इज टू सोल्यूशन. सोल्यूशन के लिए अगेन लीनियर इन टी तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल क्यू क्यू क्या है आपका माइनस लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाय एक्स डी एक्स प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाती है पावर इंक्रीज. सो लॉग एक्स की पावर इंक्रीज होगी वो क्या बन गया लॉग ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर बाय टू. जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज आ गया मेरी इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर बाय टू है. जो प्लस सी है वो भी एज इट इज आ गया. एंड लास्ट स्टेप वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी विच इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर माइनस वन. और लास्टली यू कैन से दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स वाई बिकॉज ये भी नेगेटिव है ये भी नीचे है ये फैक्टर. और दूसरी साइड कितना है हमारा माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी. थैंक यू.